हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर मोड इंस्टॉलेशन वीडियो। तो गाइस, आज हम लोग GTA 5 के अंदर एंटीकेटर मोड इंस्टॉल करने वाले हैं, जिससे कार के जो एंटीकेट लाइट्स होती हैं, एंटीकेटर लाइट्स, वो जलने लगेंगी। तो गाइस, ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी डाउनलोड की, तो आपने यहाँ के फाइल्स पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद ये फाइल को आपने एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको इंस्टॉलेशन का तरीका भी मैं इसी तरीके से बताता हूँ, तो स्किप किए बिना वीडियो देखना। तो हम फटाफट से GTA 5 की मैं डायरेक्टली ओपन कर ली है मैंने। स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर जाना है हमने सबसे पहले। अगर आपने नहीं बनाया तो आपकी मेरी मोड इंस्टॉलेशन वीडियोस आप देख सकते हो, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। आप यहाँ से इस फोल्डर के अंदर जाने के बाद ये सारी फाइल्स को आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर। फिर मैं आपको GTA 5 के अंदर चलाकर भी दिखाऊंगा कि किस तरह वर्क करता है। तो आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आपने GTA 5 के स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर एंटीकेटर ऑप्शन के अंदर आके, एंटीकेट ऑप्शन के अंदर आके, आपने सेटिंग्स वाला जो ऑप्शन है उसके अंदर आके, आपने यहाँ जो ये फाइल्स इधर ये बटन्स के ये फेसल हुए हैं, तो इनको आपने यहाँ से कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के बाद ऊपर आ जाना है। ऊपर आने के बाद आपने यहाँ एक ट्रू ऑप्शंस होगा, टू ऑप्शन, यहाँ कंट्रोल्स, कंट्रोल्स के बाद होएगा नीचे ये कंट्रोल्स के आगे होएगा ट्रू ऑप्शंस। तो आपने वहाँ आके ये फेल्स और ये रहा, जो आपने ये ट्रू टू ऑप्शंस है इसको लिखा हुआ जो है इसको डिलीट करके आपने कॉपी जो किया था फेल्स, इसको आपने पेस्ट कर देना। और इसके आगे साउंड भी है, साउंड आपने अगर देखना है तो इसको आपने यहाँ टू टू के ऊपर टू को कट करके आपने फाइल्स लिखना है जो आपने जो वहाँ से कॉपी किया था। तो हमारी जो फाइल यहाँ से सेव करके आपको हमारी जो इंस्टॉलेशन है वो हो चुकी है डन। तो अब हम GTA 5 को ओपन करके देखेंगे कि हमारा जो मोड है वो किस तरह वर्क कर रहा तो हम फटाफट से GTA 5 ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद फिर मैं आपको मिलता हूँ कि आपको किस तरह ये एंटीकेट ऑप्शन जो है वो वर्क करने हैं। वेल गाइस, मैं आ चुका हूँ GTA 5 के अंदर। तो हम फटाफट से बाहर निकलते हैं घर से, तो कोई भी व्हीकल लेते हैं और उसको मैं आपको कंट्रोल्स आपको बताता हूँ। तो हम फटाफट से बाहर आ जाते हैं पहले, तो किसी को भूसा भूसा नहीं मारते आज, बिना भूसे के शुरुआत करते हैं। तो आज हम फोन करने के बाद हम कोई कार ऑप्शन के लिए जाते हैं, कोई सुपर कार लेते हैं, स्पोर्ट्स कार, तो हम कोई भी कार लेते हैं। और आपने आपने राइट एरो पे क्लिक करना है तो आपका राइट इंडिकेटर चलेगा, अगर लेफ्ट एरो पे क्लिक करोगे तो लेफ्ट इंडिकेटर चलेगा। तो अगर आपको वो, मैं नाइट कर देता हूँ, ये जल रहा है अभी भी, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं नाइट आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हो आप, नाइट मैंने कर दिया। राइट एरो करोगे तो राइट इंडिकेटर चलेगा, लेफ्ट एरो करोगे तो लेफ्ट इंडिकेटर चलेगा, लेफ्ट इंडिकेटर चलेगा। और टी दबाओगे तो चारों इंडिकेटर ओपन होंगे, जल बुझ करेंगे, ये देख सकते हो आप। राइट एरो क्लिक करोगे तो राइट पे आपका जो इंडिकेटर है वो किसी भी व्हीकल में आपका जो ये मोड है वो वर्क करेगा, चाहे वो एड ऑन हो या GTA 5 का हो, कोई सा भी व्हीकल हो, सब व्हीकल्स के ऊपर ये लो वो वर्क करेगा। तो आपने आई प्रेस करोगे तो अंदर जो इंटीरियर की लाइट है वो ओपन हो जाएगी। तो ये देख सकते हो, मैं इसकी हेडलाइट बंद करता हूँ ताकि आपको सही से पता चले। हेडलाइट बंद करने के बाद आप राइट एरो प्रेस करोगे तो राइट इंडिकेटर होगा, लेफ्ट एरो प्रेस करोगे तो लेफ्ट होगा। मैंने लेफ्ट प्रेस किया है तो आप देख सकते हो बैक लाइट के पास इसकी जो इंडिकेटर, ई प्रेस करोगे तो आप चारों जो इंडिकेटर हैं वो ओपन हो जलने लग जाएंगे, जल बुझ करेंगे, जैसे ये अभी कर रहे हैं। टी प्रेस करने के बाद टी वापसी प्रेस करोगे तो ये स्टॉप हो जाएंगे, और आई प्रेस करोगे तो अंदर के इंटीरियर की लाइट ऑन होगी। जैसे आप देख सकते हो आई प्रेस कर रहा हूँ तो मैं इंटीरियर की लाइट जो ओपन हो रही है और बंद हो रही है, ऑन हो रही है और ऑफ हो रही है। तो आप ये देख सकते हो, ये किसी भी आप व्हीकल्स के अंदर कर सकते हो, सारी व्हीकल्स पे वर्क करता है। तो ये देख सकते हो आप, आपके सामने इसके आगे के इंडिकेटर नहीं, इस व्हीकल के अंदर नहीं है, वरना व्हीकल के अंदर होते हैं तो आगे के इंडिकेटर भी वर्क करते हैं। मैं आपको दूसरा व्हीकल दे के दिखाता हूँ, मैं साइड में दिखाता हूँ सबसे पहले, ये देख सकते हैं। जैसे ही आप राइट टर्न में टर्न लोगे तो
तो आपका ये जो इंडिकेटर है वो खुद ही ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, आपको ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ऑफ करना भी चाहते हो तो वही राइट एरो वापसी प्रेस करोगे तो ये वापसी बंद हो जाएगी। तो ये मस्टैंग खड़ी हुई है, मस्टैंग टाइप जैसी है थोड़ी बहुत, इसको हम लेते हैं। इसके मेरे ख्याल से फ्रंट फ्रंट इंडिकेटर भी होंगे, तो हम इसको लेते हैं। हम लॉक खोलिए, तो कंजीन में लॉक खोलने के बाद ये देख सकते हैं, हेड लाइट बंद करके आपको दिखाता हूँ। ये हम पहले बाहर निकाल लेते हैं वीडियो ऑफ करके। तो ये देख सकते हो, मैं राइट इंडिकेटर दूंगा तो ये राइट इंडिकेटर देख सकते हो आप जलने लग गया। किसी भी व्हीकल्स में आप देख सकते हो, हेडलाइट बंद करके आपको सही से दिखाता हूँ। देख सकते हो ये जो हमारा मोड है वो अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। अगर हम तीन दबाएंगे चारों इंडिकेटर में वो जल नहीं करेंगे। तो ये देख सकते हो आपके सामने है, हर व्हीकल्स पे ये जो ये मोड है वो वर्क करेगा। तो हम कोई कार ले लेते हैं, कोई दूसरी। वेल गाइज, ये देख सकते हो आप, मैंने पुलिस की कार ली है, इस पर भी वर्क करेगा आपका जो मैंने हेडलाइट बंद कर दी है। अब मैं राइट इंडिकेटर चलाता हूँ, ये देख सकते हो मैंने राइट लिया, ये ऑटोमेटिक बंद हो। मैं लेफ्ट इंडिकेटर चलाऊँ तो लेफ्ट इंडिकेटर चलेगा, ये देख सकते हो। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए कमेंट्स भी लाजमी कर देना। तो कमेंट्स पे आप अगर आपका जो ये मोड्स है कोई एरर शो हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो आप कमेंट्स करके लाजमी बता सकते हो, मैं कमेंट्स का फौरन रिप्लाई देता हूँ। तो आप लाजमी कमेंट्स करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।